अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ठंडियानी की सैर करवाते हैं। ठंडियानी अबटाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वाक़ है। आप सबसे पहले अबटाबाद से मरी रोड पे आते हैं और मरी रोड पे 3 से 4 किलोमीटर तक का ट्रैवल करने के बाद आप लेफ्ट साइड पे ठंडियानी लिंक रोड को ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर आपको जब आप मरी रोड पे ट्रैवल करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको ठंडियानी का बोर्ड नज़र आता है और वहाँ से आप लेफ्ट साइड पे ठंडियानी की तरफ टर्न लेते हैं। तो आए चलते हैं आपको ठंडियानी। क्या चीज है ये? सिंबल है। खास तो अच्छे लगे तो कहते हैं आपने हाथ में करो, हाथ में हाथ गंदे होंगे, देखो आपके हो काले जाने। इसको बोलते हैं यहाँ सुंबल। इसके जो पत्ते होते हैं ना वो खट्टे होते हैं।
जी तो फैल बताएं आप क्या क्या कह रहे थे? बहुत एंजॉय किया हमने और खास तौर पे हमने जो नीचे वाला जो एरिया कवर किया ना सबसे अच्छा जो एरिया था वो था वहाँ पे। यहाँ पे तो रश है, यहाँ पे रश है। अच्छी बात ये है वहाँ पे कोई था नहीं, यहाँ पे सबसे अच्छा जो एरिया हमने जो कवर किया वो था। तो अब हम बकौल फैसल के कहने पे कहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं। यार चाय ढूंढ रहे हैं ना, चाय तो मिल जाएगी, कहीं बैठेंगे और सांस थोड़ा अपना बहाल करेंगे। हाँ ठीक है ना, आहिस्ता बोलो। सांस बहाल करने के बाद फिर फैसल अपने चैनल के लिए कुछ वीडियो बनाएगा, जो किसने कोई हजार वीडियो बना सकता है और लगता है कि लाइक्स कुछ भी नहीं आने वाले। ऐसा ही है ना। अच्छा हाय हाय व्यूअर, हम फिर आए हैं आपके साथ आपको थंडियानी के जो ट्रैक है वहाँ उसको दिखाने के लिए। अभी हम ट्रैक से वापस आ रहे हैं, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा है कि हमें सर्दी फील हो रही है, ठीक है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने न्यू स्पॉट पे। तो अभी हम वापस आते हुए हमने कहा आपको बता दें कि हमने बहुत इन्जॉय किया और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम फिर दोबारा न्यू स्पॉट में मिलेंगे, न्यू वीडियोस बनाएंगे। और टाइम क्या हो रहा है? और टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं है, आपके पास मोबाइल होगा तो आप टाइम देख लो। 5 बज रहे हैं, 5 से ज्यादा 5 बज रहे हैं। 4 जून है और 2020 तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम बहुत ठंडा है, हवा चल रही है। और अभी हम वापस हैं अपने जहां हमने अपना बाइक खड़ा किया हुआ है वहां जाएंगे हम, फिर वहां पे बाइक पे बैठेंगे एंड देन हम न्यू स्पॉट पे जाएंगे। सो ये हमारा अभी जो है थंडियानी वाला ट्रैक भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो हम ट्रैक से वापस आ गए। तो ये था हमारा आज का सफ़र थंडियानी का। सो अच्छा लगा हमें भी और होप सो कि आपको भी अच्छा लगेगा। सो अब मौसम बारिश का बना हुआ है, अब देखते हैं बारिश होती है नहीं होती। अगर बारिश होगी तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन उम्मीद है कि मौसम ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा। और वैसे आपका नाम, आप थके हुए हैं? नहीं तो यार इतने अच्छे आप लोगों को क्या कहेंगे? मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ आए जी, एंजॉय करें फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ और आना चाहिए। मेरा न्यू एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा लगा। आप मौसम देख सकते हैं, और हवा कैसी है? टेम्परेचर कितना होगा आपका? 15 to 20। सो थैंक्स टू फैसल जो मुझे थंडियानी लेके आए, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। हम नथिया गली का प्लान कर रहे थे ना, नथिया गली का प्लान कर रहे थे हम निकले थे नथिया गली के लिए और रास्ते में थंडियानी की तरफ आए। तो वो कहते हैं ना जिस तरफ किस्मत ले जाती है वहाँ बंदा चला जाता है, और जब किस्मत आप किसी तरफ ले जाए तो अलग अलग रास्ते बनाता रहता है। वो आगे तक जाएंगे ठीक है, लास्ट तक वीडियो बनाते हुए।
ये ठंडियानी को बता देना लोगों को कि वो आएंगे कैसे, उनका एड्रेस थोड़ा, रास्ता कहाँ से? आपने मरी रोड पे आके वहाँ से लेफ्ट ले, एक चौक आएगा जहाँ से नक्शा गली की तरफ दूसरा रास्ता जाता है और दूसरी तरफ थंडियानी की तरफ जाता है। जब लेफ्ट वाली रोड पे आप इंटर हो जाएंगे तो फिर इजीली आगे वो स्ट्रेट ही आगे आप आते जाएंगे तो वो थंडियानी पहुंच जाएंगे। और आपने लेफ्ट लेना है? हाँ, लेफ्ट वो मेंशन होगा बोर्ड पे। चले तो फैल भी, थैंक यू। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह हम अभी अपने बाइक के पास पहुंचे तो अभी हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे न्यू स्पॉट। अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज, बाय। Thank you.